स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सबों को एक दूसरों से मिलाया है। विश्वास करते हैं, आशा भी रखते हैं कि जहाँ कहीं पर भी है, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। उसके रहम दिल नज़रों में हम सब सुरक्षित है। उसके पवित्र वचन, उसकी प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु वो नज़र हमारे ऊपर हमेशा उसने बनाई रखी है, और हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, ये उसकी अनुग्रह दया कृपा है। आज फिर से एक बार प्रभु के वचनों से हम थोड़ा ध्यान और मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र, और उसके साथ भी परीक्षा हुई। हम भी प्रभु में जब रहते हैं तो हमारे साथ भी परीक्षा हो सकती है, मगर हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम नाराज़ नहीं हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उन सारी परीक्षाओं में वचनों को लेकर उसने हर परीक्षाओं के साथ सामना किया और एक जयवंत का जीवन उसने बिताया। हम अगर वचन को पढ़ते तो लूका रचित सुसमाचार और उसके चौथे अध्याय के 1-13 तक अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ। उसके कुछ वचनों को हम ध्यान और मनन करेंगे। लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। देखिए, आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। ऐसे वक्त क्या हुआ देखिए, और 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। 40 दिन तक उसकी शैतान परीक्षा करता रहा, और उसमें से कुछ परीक्षाओं के विषय में बाइबल में मुझे और आपको सिखाया है। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लग गई, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। देखिए, अब यहाँ पर एक परीक्षा है जो शरीर की वासना, शरीर की भूख, शरीर की चाहत, और इसके विषय में शैतान ने उसकी परीक्षा ली। भूख लग गई थी उसको, और ऐसे वक्त उसको शैतान कुछ और बातों को लेकर कहने लगता है। इस पत्थर से कहे कि क्या लिखा है कि तू इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। देखिए, ऐसे वक्त यीशु मसीह ने किस प्रकार से उसको उत्तर दिया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के अभिषिक्त पवित्र लोग, हम परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के उस अभिवचन हमारे लिए एक रोटी, और रोटी से भी बहुमूल्य है, जो कि हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को जीवित रखते हैं। आगे लिखा है, तब शैतान उसे ले गए और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसे दे सकता हूं। अब देखिए, वहां पे अभी शैतान यीशु मसीह को कहता है, इसलिए तू, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। देखिए, सारी दुनिया की बातें दिखा दी, यहाँ है शरीर, आँखों की अभिलाषा, सब कुछ दिखाया, पल भर में दिखा दिया, और कह दिया कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, ये मेरे हाथों में सौंप दिया है, मेरे हाथों में सौंपा गया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए, ये सारी चीज़ों की मुझे और आपको ज़रूरत है, मगर ये हमारे उपासना का विषय नहीं है। इसके पास और इसके लिए हम अपने आप को झुकना नहीं है, इसके सामने हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं होना। ये बातें ज़रूरी है, मगर इतना नहीं कि हम उसके लिए झुक जाए, इसके पास हम उसको प्रणाम करें, उसी के हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और कह दिया,
लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हाँ मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर हम परमेश्वर को प्रणाम करते, परमेश्वर की उपासना करते, तो मुझे और आपको लगने वाली हर जरूरत परमेश्वर देता है। बाइबल में ऐसे भी लिखा हुआ है कि एक जवान सिंह भूखा रहेगा, मगर उसके चाहने वालों को कभी भी कोई अच्छी बातों की कमी कभी नहीं होगी। उसके बाद और शैतान ने परीक्षा ली और कहा, वहाँ पे लिखा है 9वें वचन में, तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए यहाँ पर एक परीक्षा है। यहाँ पे तो मैं ऐसा मनन करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शैतान ने यहाँ पर यीशु मसीह को सीधा सुसाइड करने के लिए लेके गया कि तू यहाँ से क्या कर, कूद यहाँ से तू नीचे गिरा दे, इसका मतलब तू मर जा, तू सुसाइड कर। देखिए मेरे प्यारे श्रोताओं, प्रभु का वचन मुझे और आपको ऐसे भी वक्त, कितनी सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे कही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वहाँ पर कि यह भी लिखा है, देखिए सब कुछ बातों का उत्तर प्रभु के वचनों में है, सब कुछ प्रश्नों का उत्तर प्रभु के वचनों में है। कैसी कैसी परीक्षा होती है, जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ भी बाकी नहीं है, सब हालात सब परीक्षाओं का उत्तर प्रभु के वचनों में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ऐसा कहता है कि यह भी लिखा है और देखिए क्या लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। देखिए ये सारी बातें आपको और मुझे परीक्षा में लेके जाती है, मगर इन परीक्षाओं से मैं और आप किसी भी कारण किसी भी तरह से उलझन में नहीं पड़ना है, नाराज नहीं होना है, हम बेचैन नहीं होना है। प्रभु में जो चलते हैं, प्रभु के वचनों के आधार पर जो चलते हैं मेरे प्रिय श्रोताओं, उनको कभी किसी अच्छी बातों की कमी कभी नहीं होगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है जितनों ने उसकी ओर देखा उनके चेहरे कभी भी काले नहीं हुए। कभी भी इस प्रकार का सुसाइड करने का वक्त हमारे ऊपर नहीं आएगा, कभी भी अपने जीवन से हम इतने इतने परेशान होकर यहाँ तक की नौबत नहीं आएगी कि हम मरने तक निर्णय लें। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु के वचनों में हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, बस मुझे और आपको प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करना है। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु ने खुद कहा, ऐसे भी लिखा है, इसका मतलब वचन, प्रभु का वचन हमें हर वक्त आधार देखता है, हर वक्त प्रभु का वचन हमें छुड़ाता है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है दूसरा पत्रस और उसके पहले अध्याय के चौथे वचन में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, हम जीवित परमेश्वर की निर्मिति है, हम परमेश्वर की एक बहुत अच्छी सुंदर सृष्टि है, और प्रभु का वचन कहता है हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना है। वरना इस संसार में जो सड़ाहट है, ये सड़ाहट किस प्रकार के जरिए हमारे अंदर आती है, अभिलाषाओं के जरिए। ये सारे परीक्षाओं में अभिलाषा है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु का वचन मुझे और आपको ये बातें सिखाता है कि ये सारे परीक्षाएं हैं, अभिलाषा है, वासना है, ये लोभ है, ये सब कुछ पल भर में हमें आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, हम इसको चाहत रखते हैं कि ये हमें मिले। मगर प्रभु की स्तुति हो, आज ये प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हमें परमेश्वर को सिजदा करना है, परमेश्वर के सामने हमें प्रणाम करना है, परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा और सबसे महान पवित्र मानना है। उसके अनुसार जो हमने अभी पढ़ा कि ईश्वरीय स्वभाव के हमें सहभागी होना है,
आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को फिर से एक बार प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। हे पवित्र पिता, अनादि अद्वैत अगम्य ज्योति प्रकाश में रहने वाले निर्माणकर्ता, इन वचनों के द्वारा आपने हमें आशीषित किया है कि हर परीक्षाओं में हम इन वचनों के द्वारा हर परीक्षाओं में जय का जीवन बिताए, क्योंकि सब प्रश्नों का, सब परिस्थितियों का, सभी परीक्षाओं का उत्तर प्रभु के वचनों में है। हम प्रभु के वचनों के आधार पर चलेंगे। जो हमारे प्रिय श्रोता कोई बीमार है, कमज़ोर है, अकेले है, डरे हुए हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की सांत्वना, प्रभु का सामर्थ्य हाथ और प्रभु की सुरक्षा देने वाली नज़र हर एक पर प्रभु ने बनाई रखी है। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं सारे प्रिय श्रोता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आशीषित हो जाए, समाधान पाए और प्रभु के नज़रों में हमेशा हमेशा विश्वास योग्य और स्थिर बने रहे। ऐसे ही हो। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब सुनने वालों के साथ हमेशा हमेशा बने रहे और सारे प्रभु के लोग मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन।